सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक हमारे व्रज के पूज्य संत मलुक पीठ वाले महाराज जी, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के श्री मुख से एक बात हमने सुनी कि कोई शिकारी था, भक्तमाल में ये कथा आती है, कोई शिकारी था और वो रोज शिकार करने के लिए जाता था और रास्ते में एक महात्मा की कुटिया पड़ती थी। महात्मा की कुटिया को देख करके उसको लगता था कि इस महात्मा की कुटिया पर कोई दूसरा शिकारी है। वो जब भी देखता तो महात्मा को ऐसे आंख बंद करे हुए, तो उसको लगता कि जैसे मैं शिकार के लिए आया हूं ऐसे ये भी कोई शिकार खेलने के लिए आया, शिकार के लिए आया है। मुझे तो उस शिकार मिल जाता है पर इसको बेचारे को कोई शिकार नहीं मिलता है। तो देखो समानशील व्यसनेशु सख्यम, जो समानशीलता वाले हैं, समान विचारों वाले, उनसे सख्यता, उनसे मित्रता करना चाहिए। पीने वाले की पीने वाले के साथ मित्रता हो जाती है, खाने वाले की खाने वाले के साथ मित्रता हो जाती है। और अभी हमने आपको बताया ही था कि अगर बस खचाखच भरी है और आपको सीट नहीं मिल रही है तो उसमें आप देखिए कि आसपास में कोई तंबाकू खाने वाला बैठा है क्या, और फिर जहाँ वो आपको दिखाई दे आप बढ़िया सलीके के साथ तरीके के साथ अपने जेब से खैनी निकालिए। अंदाज है उसका, निकालने का भी एक तरीका है, अदब के साथ निकालते हैं और फिर उसको थोड़ा सा कट करके उसमें से खैनी को निकाल करके हाथ पे रखिए, और हाथ पे रख करके ऐसे तीन बार ऐसी थपक भी लगाई जाती है। क्यों पूरी भाई, ऐसे तीन बार थपक लगाओ उसको, और फिर जहां जगह नहीं मिल रही थी सीट पे उसको उसको ऐसे बोलो लीजिए। तो वो लेने से पहले कहेगा बैठिए, आपको जगह पहले मिल जाएगी, स्थान पहले मिल जाएगा आपको। समान शीले शील व्यसनेशु सख्यम, जो समान शील व्यसन वाले हैं उनमें मित्रता हो जाती है, सख्यता हो जाती है। तो इसने विचार किया कि रोज मैं यहां से निकलता हूं, रोज मैं इस व्यक्ति को देखता हूं और इसको देख करके लगता है बेचारा बड़ा दुखी है। अरे मैं यहां से निकलता हूं तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म बनता है कि मैं इसका कुछ सहयोग करूं, मेरा जाति भाई है, मैं भी शिकारी यह भी शिकारी। तो वो महात्मा के पास गया और जाकर के बोला महाराज एक बात कहूँ, ये तो मैं कह रहा हूँ कि उसने महाराज कहा, उसने तो बोला कि मैं तुझे रोज देखता हूँ, तुझे कुछ हाथ नहीं लगता है क्या, लगता है बहुत बड़े शिकार के चक्कर में है। तो महात्मा ने कहा तुम अपना काम करो, मुझे मेरा करने दो। बोले नहीं, मैंने बड़े बड़े हिंसक जीवों को पकड़ा है, उनका शिकार किया है, तुम मुझे एक बार बोलो तो सही, तुम मुझे एक बार कहो तो मैं उसको यूं पकड़ करके लाऊंगा। महात्मा ने सोचा कि इससे पिंड छुड़ाने का एक ही उपाय है, तो उस महात्मा ने कहा देखो फिर एक उपाय है, उसको पकड़ना चाहते हो तो उसकी पहचान भी पता होना चाहिए ना। महात्मा ने उस शिकारी को ऐसी भगवान की पहचान बता दी। पहली पहचान है उसकी, मेघ श्याम कनक परिधि, मेघ के समान उसका श्री विग्रह है, पीताम्बर उस पर सुशोभित होता रहता है, रत्नारे नेत्र हैं, खिले हुए कपोल हैं, बिंबाफल जैसे औष्ट हैं, शंख जैसी ग्रीवा है, आजान बाहु हैं, पांव में महावर लगा रहता है, कमर में करदनी है, पांव में पायजेब है, और सबसे बड़ी उसकी पहचान क्या है,
चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो ऋण छोड़ करके भागता है तो मुस्कुराता हुआ भागता है, और जब संपूर्ण यदुकल का विनाश हो रहा था उस समय भी श्रीमान आसन लगा करके बैठ करके मुस्कुरा रहे थे। अपने वंश के विनाश को देख करके भी जो मुस्कुरा ले वो कृष्ण है, जिसकी मुस्कान में कभी कोई थकान नहीं है।